साहिबगंज में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महादेवगंज चौक पर अनियंत्रित हाइवा ने स्कूल से घर लौट रही दो छात्रा बहनों को कुचल डाला। इससे सड़क पर ही दोनों बहनों की मौत हो गई। बताया जाता है कि हाइवा चालक नशे में इतना धुत था कि बाइक एवं एक टाटा को भी धक्का मार दिया। मिली जानकारी के मुताबिक महादेवगंज निवासी निर्मल शर्मा की दोनों पुत्री स्कूल से पैदल ही घर लौट रही थी। इसी बीच हाइवा ने दोनों बहनों को कुचल डाला। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम कर दिया। लोगों ने हाइवा चालक की पिटाई भी की। घटना की जानकारी मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझा कर सड़क पर जाम हटवाया। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भिजवाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। इधर मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। साहिबगंज से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। जा रही थी जमकर हाइवा, उससे दो बच्चे और एक मोटरसाइकिल चालक और एक इलाज के लिए भेजा गया। वो हाइवा चालक क्या कर वो तो निरापद लिया गया क्या? तो खाने वाले से हाइवा चालक है या खलास है? उन्होंने सत्यापन के बाद कितने बच्चे की मौत हुई है? हाइवा किनकी है तो सत्यापन के बाद पता चलेगा। कितने बच्चे की मौत हुई? कितना बच्चा? दो बच्चे की। घायल कितने हैं? घायल एक घायल है। क्या कार्रवाई आ रही है? पोस्टमार्टम के लिए बाकी जैसे कि आप लोग बतला रहे हैं कि एक आदमी को हिरासत में लिया गया है और उपचारिक कार्रवाई की जाएगी।